अब आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अरे अचानक से अपने आप ऐसा आपका फ़ोन पकड़ा हुआ था, ऐसे करके अपने आप जो बंद हो गया। तो फ्रेंड्स माफ़ करिएगा, मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि आप हमसे हमारे से जुड़े रहिए। मेरा यकीन करो सर, विवेक ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैंने आपको ना बताया। हमेशा सब कुछ नॉर्मल सा ही था। कुछ नॉर्मल नहीं था राजीव, 16 बार किए गए, 16 बार नॉर्मल नहीं हो। पर मुझे तो कुछ नहीं पता। बेस्ट फ्रेंड के सामने विवेक ने नकाब पहना, अब लगता है आप सब लोग हमारे सामने नकाब पहनते। लोगों के नकाब उतारना हमारा पेशा है और नकाब उतारने का हमारा सलीका और तरीका थोड़ा टेढ़ा होता है। आपका मर्डर केस जो कि आप विवेक का केस बन गया, भयंकर मर्डर का केस, तुम्हारे और निधि के पास लास्ट चांस है। हमें असली चेहरे दिखाओ, सुनते और विवेक का। आप लोग गाड़ी लगाइए। पुलिस ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया है। उंगलियां हर किसी पर और कई दिशाओं में उठने जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि विवेक के कत्ल के पीछे कई लोग हो सकते हैं, पर क्यों थे? इस सवाल का जवाब एक रहस्यमय धुंध में लिपटा था। गीता, गीता राजी, मेरा शक पक्का है। पर क्यों? मॉर्निंग आई वाज सर्विसिंग में ठीक उन लोगों की तरह है जो लोग छपा रहे थे और सब सही होने का निकाब थे। रागनी उस दिन 14 जून की दोपहर है जिस मीटिंग के लिए विवेक शर्मा निकला, जिस नंबर से उसे कॉल आया 444-897-6124, वो सब गीता आशीष का किया करा है। एग्जैक्टली, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लोगों की जरूरत होगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, इतना अच्छा बनाया है आपने मेरे लिए, तो सब लोग तो बहुत अच्छा बन रहे हैं। हाँ, तुम्हारा शक का मैसेज क्या है? जैसे जैसे एक सरकार लौटना डेली होता गया, हमारा साथ बढ़ता गया सर। उन दोनों के बीच में कोई एनिमल थी जो दोनों ने पहले रिपोर्ट नहीं की? नहीं सर, शक तब ही हुआ जब विवेक सर के मिसे होने के बाद क्लाइंट्स के कॉल पर कॉल आने लगे। सबको अपनी डील क्लोज करनी थी और काम आगे बढ़ाना था। क्योंकि विवेक सर नहीं थे पैसे लेने के लिए, तो मैंने उनके बेटे संजय को कॉल किया। गीता ने फोन किया, कहीं थी कि क्लाइंट से कॉल पे कॉल आया, किसी को पापा की जगह डिलीट करनी पड़ेगी। कॉल आया गीता, ध्यान रहे, हाथ से एक भी क्लाइंट जाना नहीं चाहिए और ना ही कोई क्लाइंट डिस्टर्ब हो। जी मैम, मैं अंडरस्टैंड, में उसके लिए सिग्नेचर्स लगेंगे, अप्रूवल्स लगेंगे, कंपनी में मेरा भी नाम है एज अ पार्टनर। जी मैडम, तो मैं साइन कर दूँ? मैं अप्रूवल दूँगी। तुम अपना काम एज यूजुअल कंटिन्यू करो। बाय फ्रेंड्स, वापस मिलेंगे।